पश्चिम बंगाल में साल के पहले सप्ताह में सर्दी का सितम जारी है। तेज हवाओं से तापमान का पारा धीरे धीरे गिर रहा है। कोलकाता में गुरुवार को न्यूनतम तापमान 12.7 डिग्री सेल्सियस रहा। सामान्य तापमान से 1 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। यह पहली बार नहीं जब तापमान 12 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। इसे इस मौसम का सबसे ठंडा दिन बताया जा रहा है। पिछले साल 17 दिसंबर को कोलकाता में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था। मौसम विभाग के सूत्रों के मुताबिक वह एक दिन सबसे ठंडा था। हालांकि गुरुवार को न्यूनतम पारा 12 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका था, जो इसने अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। आपको बता दें कि बुधवार को कोलकाता का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहा। कोलकाता और इसके आसपास के इलाकों में गुरुवार को अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कोलकाता में बुधवार को अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम है। अलीपुर मौसम विभाग के सूत्रों के अनुसार गुरुवार यानी कि 5 जनवरी को भी सामान्य से तापमान नीचे गिरने की संभावना है। जिलों में अच्छी सर्दी पड़ेगी और अगले 24 घंटे में बारिश की भी संभावना जताई गई है। हालांकि इसमें यह भी कहा गया है कि आसमान ज़्यादातर साफ रहेगा। वहीं आपको देश के अन्य राज्यों के बारे में बताएं तो दिल्ली में अभी सबसे ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ रही है। भारत मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली का न्यूनतम पारा 2.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी में इस मौसम का सबसे न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। इसके साथ ही अगले 2-3 दिनों तक उत्तराखंड, दक्षिण मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में हल्की बारिश की संभावना है। इसके अलावा 2-3 दिन के दौरान उत्तराखंड और राजस्थान के अलग अलग इलाकों में भी घना कोहरा छाए रह सकता है। वहीं घने कोहरे के चलते भारतीय मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। इसे देखते हुए दिल्ली हवाई अड्डे ने भी गुरुवार को अपने सभी यात्रियों को अलर्ट कर दिया। हवाई अड्डे ने बताया कि सोमवार और मंगलवार के बीच करीब 100 उड़ानें देरी से चली हैं, क्योंकि कोहरा ज़्यादा हो गया था, जिसके कारण कई फ्लाइट को भी डाइवर्ट किया गया है।